नमस्कार, TV27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। पहली खबर में आज बात होगी अरविंद केजरीवाल के ईडी के मिले 7वें समन की। दूसरी खबर में हम जिक्र करेंगे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हुए समझौते की। और तीसरी खबर में जिक्र होगा आज पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक को के घर CBI छापे की। और अंत में हम बात करेंगे किसानों के आंदोलन की। तो सबसे पहले शुरू करते हैं शराब नीति में हुए कथित घोटाले के मामले में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को आज ईडी ने 7वां समन जारी किया है। 7वें समन के बाद ईडी ने उन्हें 26 तारीख को बुलाया है। साथ ही आपको बता दें कि ईडी के बुलावे पर CM अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे या नहीं, इसका रुख आज ही देखने को मिला। दिल्ली के मंत्री आतिशी की तरफ से बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि जब मामला हाईकोर्ट में पड़ा है तो फिर क्यों बार बार बोला जा रहा है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को आज ईडी ने समन जारी किया। 26 फरवरी को उनको पेश होने के लिए कहा गया है। तो कथित घोटाला मामले में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन जारी किया है। सोमवार को केजरीवाल को बुलाया गया है। आपको बता दें शराब घोटाला मामले को लेकर लगातार ईडी की कार्रवाई तेज है। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगातार ईडी की तरफ से समन भेजा जा रहा है और ये 7वां समन जारी किया गया है। लेकिन अब तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं पेश हुए हैं। मामला राउज एवेन्यू कोर्ट तक पहुंचा था। कोर्ट के आदेश के बावजूद अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए और आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया ईडी खुद कोर्ट गई थी। अब कोर्ट का फैसला आने के बाद और दिल्ली विधानसभा अभी चल रहा है, इस वजह से अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हो सकते। वहीं मंत्री आतिशी का बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के प्रति जो कार्रवाई की जा रही है वो राजनीति से प्रेरित है और जब मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो कोर्ट के फैसले के बाद ही कोई कार्रवाई की जा सकती है। तो दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल को 7वां समन आया है। आपको बता दें कि ईडी ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को बुलाया है। सोमवार को केजरीवाल को पेश होना है लेकिन उससे पहले सियासत एक बार फिर से तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बकायदा कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के मामले को लेकर लगातार ईडी समन जारी कर रही है लेकिन अरविंद केजरीवाल का मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इस वजह से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता आयुषी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आयुषी, क्या कुछ जानकारी है? अरविंद केजरीवाल को 7वां समन जारी किया गया है और अरविंद केजरीवाल को सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जी दिनकर, जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से 7वां समन आता है उसके बाद तुरंत दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं आतिशी उनका बयान भी आता है और इस 7वें समन को भी गैर कानूनी बताया जा रहा है। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि जैसे अगर ईडी पहले 6 समन भेजती अरविंद केजरीवाल को, अरविंद केजरीवाल लगातार उस समन को लेकर कई सवाल पूछते हैं, ईडी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता है, फिर ईडी खुद कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है और जब राउज एवेन्यू कोर्ट में ये मामला चल रहा है तो आखिर 7वें समन भेजने के पीछे की वजह क्या है? साफ तौर पे कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि ये राजनीति से प्रेरित है और जब कोर्ट में मामला है, जब कोर्ट विधानसभा सत्र खत्म होने का इंतजार कर सकती है तो ईडी ने किस आधार पर 7वां समन भेजा है, इस तरह के कई सवाल जो है आम दिल्ली सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो ईडी जो 7वां समन भेजी है और 26 तारीख को जिस तरीके से सोमवार को बुलाया गया है तो ये साफ तौर पे देखा जा सकता है कि अभी भी अरविंद केजरीवाल 7वें समन पर भी उपस्थित नहीं होंगे क्योंकि पहले दिन ही समन आते ही सफाई दे दी गई है कि कोर्ट में मामला है। कोर्ट ने कहा है विधानसभा के बाद अरविंद केजरीवाल पूछताछ में शामिल होंगे तो इतनी हड़बड़ाहट क्यों है? तो कई तरह के सवाल लगातार ईडी के समन पर उठाए गए हैं दिल्ली सरकार की तरफ से। जी बिल्कुल आयुषी, लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी को डर है कि जिस तरीके से झारखंड में पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को बुलाया गया उसके बाद रिमांड पर ले लिया गया, क्या कुछ वैसा ही अरविंद केजरीवाल के साथ हो सकता है? इस वजह से अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होते और जहां तक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से दलीलें दी जा रही है कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है और जब कोर्ट रुक सकती है तो आप क्यों नहीं रुक सकती, ये बस एक बहाना है डर की वजह से? जी बिल्कुल दिनकर, जैसा अभी हमने झारखंड में भी देखा किस तरीके से हेमंत सोरेन पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया, बार बार समन भेजा गया, जब वो उपस्थित नहीं हुए तो ईडी ने आखिरी समन भेजते हुए
और पूछताछ के दौरान उन्हें अरेस्ट कर लिया और फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार के कई मंत्री हैं जो पिछले दिनों बोलते हुए नजर आए हैं, जहां पर उन्हें पता है कि अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए अगर जाते हैं तो उनको वहीं अरेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी आबकारी रीति घोटाले मामले में चाहे वो दिल्ली के डिप्टी सीएम हो मनीष सिसोदिया जो अभी तक जेल के अंदर हैं, या उसके अलावा संजय सिंह हो, जैसे कई बड़े चेहरे हैं जो आबकारी नीति घोटाले मामले में अभी सलाखों के पीछे हैं, और अब अरविंद केजरीवाल का जो नंबर आया है तो साफ तौर पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि राजनीति से प्रेरित थे वे, अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए जाते हैं तो गिरफ्तार हो सकते हैं। और इसलिए दिल्ली सरकार ने डोर टू डोर कैंपेन भी चलाया, जहाँ वो जनता के बीच में गए और उन्होंने पूछा कि क्या अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो वो जेल से सरकार चलाए या इस्तीफा दे दे। इस तरह की कई मुहिम चलाई गई, जनता के बीच में जाके बात रखी गई है। तो दिल्ली सरकार या आम आदमी पार्टी साफ तौर पे ये आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल जिस दिन पूछताछ की जाएंगे उस दिन उनकी गिरफ्तारी तय है, जिसकी वजह से वो जल्द से जल्द अपना सारा काम निपटाने में लगे हुए। तो ऐसी तमाम तरह की दलीलें आम आदमी पार्टी की तरफ से दी जा रही है, समन को गैर कानूनी बताया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ईडी किसी घोटाले के मामले में किसी को भी अगर पूछताछ के लिए बुलाता है तो वो उसको कितने दिनों तक आके नकार सकता है और कितने दिनों तक नजरअंदाज कर सकता है? जी बिल्कुल लाइव शो, लेकिन ऐसे में बीजेपी की तरफ से और सत्ताधारी पार्टी की तरफ से लगातार सवाल उठाए जाते हैं कि अगर केजरीवाल अगर निर्दोष है तो पेश क्यों नहीं होते, क्यों भाग रहे हैं, आखिर कब तक भागेंगे? एक ना एक दिन तो पेश होना पड़ेगा, और जब पेश होंगे तो जिस तरीके से संजय सिंह और जिस तरीके से मनीष सिसोदिया से पूछताछ की गई, उन लोगों के खिलाफ सबूतें भी ली और उन लोगों को रिमांड पर लिया गया, फिर उनकी गिरफ्तारी हुई और अब उनका बार बार उनकी अर्जी खारिज कर दी जा रही है कोर्ट से, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इनके आरोप है वो और पुख्ता होंगे। बिल्कुल देखा जाए तो विपक्ष की तरफ से बीजेपी की तरफ से लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी वो पार्टी है, अरविंद केजरीवाल वो नेता है जो कहते थे कि अगर आपके दामन पे कोई दाग लगा है तो पहले इस्तीफा दे, पहले जाके आप अपने आप को सरेंडर करें, सहयोग करें, उसके बाद आप साफ सुथरा होकर वापस से अपने पद पर स्थापित हो। तो साफ तौर पर बीजेपी लगातार यही पॉइंट आउट कर रही है कि कहां गया अरविंद केजरीवाल का वो बयान जहाँ पे वो ये कहते हुए नजर आए थे कि अगर आप दोषी हैं या अगर आप किसी दोष में पाए जा रहे हैं तो पहले आप उसको स्पष्ट करें, उसको साफ करें। लेकिन यहाँ पे आम आदमी पार्टी लगातार इस समर्थन को जुटा रही है, गैरकानूनी बता रही है, तो विपक्ष लगातार इसको लेकर हमलावर है, कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और जब भी समन आता है तब बीजेपी की प्रतिक्रिया जरूर आती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आयुषी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो अरविंद केजरीवाल को सातवां समन आया, अब देखने वाली बात होगी कि क्या सोमवार को दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल पेश होंगे या नहीं। बढ़ते अगली खबर की ओर, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने पर सहमति होती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी दक्षिणी दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली की सीट पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं बाकी बची हुई तीनों सीटें उत्तर पूर्वी चांदनी चौक और पूर्वी दिल्ली कांग्रेस को दी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के अलावा दूसरे राज्यों में भी गठबंधन लगभग तय हो गया है। गुजरात की दो सीटें कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को दे दी है। गुजरात की भरूच और भावनगर सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही चंडीगढ़ की सीट आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को दी है। गोवा में आम आदमी पार्टी ने साउथ गोवा सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी यह सीट कांग्रेस के लिए छोड़ देगी। वहीं कहा यह अभी जा रहा है कि कांग्रेस हरियाणा की एक सीट आम आदमी पार्टी को देगी। तो आप और कांग्रेस का गठबंधन लगभग लगभग तय हो चुका है, औपचारिक ऐलान बाकी है, जिसके बाद अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन दिल्ली में कुछ कमाल कर पाएगा, क्योंकि दिल्ली की सात लोकसभा सीटों पर बीजेपी काबिज है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता आयुषी मिश्रा हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। आयुषी, जैसा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लेकर खबरें निकलकर सामने आ रही है कि गठबंधन लगभग तय है, औपचारिक ऐलान बाकी है और कांग्रेस को तीन सीटें आम आदमी पार्टी देने वाली है दिल्ली में। बिल्कुल दिनकर, दिल्ली में लोकसभा सीट बंटवारे पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बातचीत अंतिम चरण पर है। जी, सेट किया जा रहा है वो 4-3 का है, यानी कि आम आदमी पार्टी खुद 4 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी और 3 सीटें उन्होंने कांग्रेस के खाते में दी है। हालांकि इसकी अभी औपचारिक बाकी है और ये कभी भी हो सकता है।
जी हो सकता है और कल अर्ली मॉर्निंग भी हो सकता है। जो सूत्रों के हवाले से और इससे पहले यही बात की जा रही थी कि कांग्रेस ने 4 सीटों की मांग की थी लेकिन उस पर बात नहीं बन पाई थी। फिर से बातचीत चल रही थी, कल देर शाम भी बैठक हुई है और आज जो जानकारी निकल कर आई है वो यही कि आम आदमी पार्टी 4 लोकसभा सीट और कांग्रेस 3 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है। तो साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है, क्योंकि पिछले लंबे समय से कहा जा रहा था कि क्या आम आदमी पार्टी 1 भी सीट कांग्रेस को देगी, लेकिन अब जो तस्वीरें साफ होती हुई नजर आ रही है वो यही कि 3 लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में दिल्ली में गई है। जी बिल्कुल आयुष्मान, लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि 2019 के अगर डेटा के अगर गौर किया जाए तो 22% वोट तकरीबन कांग्रेस को मिले थे, 19% वोट आम आदमी पार्टी को मिली थी और बीजेपी को 56% वोट निकलकर सामने आए थे। ऐसे में आम आदमी पार्टी को बड़ा भाई के नाते 4 सीटों पर चुनाव लड़ना ये अपने आप में सही तो नहीं, क्योंकि कांग्रेस के जितने भी कैडर थे उनका कहना था दिल्ली में 7 की 7 सीटों पर हम लड़ेंगे, अलका लांबा का बाकायदा बयान निकल कर आया था। तो आखिर किसने कॉम्प्रोमाइज किया? और इसके साथ ही खबर यह भी है कि पंजाब में भी गठबंधन है, हरियाणा की 1 सीट आम आदमी पार्टी को भी कांग्रेस देने वाली है, गोवा में भी, यहां तक कि गुजरात में भी कांग्रेस सीट दे रही है आम आदमी पार्टी को। दिनकर देखा जाए तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होने से पहले कई ऐसे नेता हैं जिनके कई बयान सामने आए हैं, कांग्रेस के भी कई ऐसे सीनियर लीडर्स हैं, अलका रामा का आपने भी नाम लिया, तो ये तमाम लीडर्स जो है वो लगातार ये दावा कर रहे थे कि कांग्रेस इतनी मजबूत है कि चाहे वो पंजाब हो या दिल्ली हो वहां चुनाव लड़ सकती है। फिर बीच में ये भी खबर आई थी कि आम आदमी पार्टी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ रही है और दिल्ली में भी वही फॉर्मूला सेट हुआ कि आम आदमी पार्टी अकेले मैदान में उतरेगी। लेकिन जिस तरीके से इंडिया अलायंस की अगर बात कर ले तो इंडिया अलायंस अब जितना कमजोर हो चुका है, कई ऐसे बड़े दल हैं जो इंडिया अलायंस को एग्जिट कर चुके हैं और कई राज्यों में कांग्रेस जो चाहती थी वो उनको नहीं मिला, लेकिन दिल्ली में जो तस्वीरें साफ हो रही है इसमें ये जरूर दिख रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं विन विन सिचुएशन में है, उन्हें 3 लोकसभा सीट मिली है, हालांकि वोट परसेंटेज कांग्रेस के पास इतना ज्यादा नहीं है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भी बहुत अच्छे से पता है कि क्या रिस्क टेकिंग लिया जा रहा है इस गठबंधन को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि गठबंधन है तो गठबंधन धर्म निभाते हुए कांग्रेस ने 4 मांग की थी उसमें से 3 उन्हें दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भी पता है कि गठबंधन कहीं ना कहीं अभी आर्या पार की सिचुएशन है इस साल अगर आप जी बिल्कुल आयुष्मी, लेकिन ऐसे में अगर इतिहास पर गौर किया जाए तो जब जब देश में सत्ता परिवर्तन हुआ है तब तक दिल्ली की 7 सीटों को उन्हीं पार्टियों ने कब्जा किया है। मसलन अगर इंदिरा गांधी के खिलाफ जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा तो उस वक्त 7 की 7 सीटें गठबंधन के पास गई, 2014 में जब नरेंद्र मोदी काबिज होते हैं 7 की 7 सीटें जीतते हैं। तो क्या इंडिया गठबंधन को अगर 2024 की लड़ाई लड़नी होगी और इतिहास को गौर करें तो 7 की 7 सीटें जीतने में क्या इंडिया गठबंधन सक्षम है इस गठबंधन के बाद? मैं आपको बता दूं हम जब ग्राउंड पे रहते हैं तो ग्राउंड पे पब्लिक के बीच में जब भी हम जाते हैं तो कई उनकी ओपिनियंस होती है जिससे पता चलता है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कितना फर्क है। खासकर अगर दिल्ली की जनता की बात कर ले तो दिल्ली की जनता काफी प्रैक्टिकल है, यहाँ पे जाति आधारित वोट बटे हुए नहीं है, यहाँ पे सिर्फ प्रोग्रेसिव माइंडसेट की सिटीजंस रह रहे हैं, तो जिसकी वजह से जब दिल्ली की बात आती है तो अरविंद केजरीवाल उनकी पहली प्रायोरिटी होते हैं, लेकिन जब लोकसभा चुनाव की बात आती है तो नेशनल लेवल पे दिल्ली की जनता को बहुत अच्छे से पता है कि बीजेपी या मोदी वो चेहरा है जो नेशनल लेवल पे अच्छा कर रही है, क्योंकि लगातार ऐसे फीडबैक जनता के बीच में आए हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात है कि जो 2019 में रिजल्ट आए थे जो कि बिल्कुल भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के फेवर में नहीं थे, क्या ये गठबंधन का जो फॉर्मूला 4-3 का फॉर्मूला सेट किया गया है इसमें क्या कुछ फायदा पहुंच सकता है? क्योंकि अगर 2019 की बात करें तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों अलग अलग दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस का भी अच्छा खासा इतिहास रहा है दिल्ली में और अब आम आदमी पार्टी काबिज है, तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टी मिलकर सोच रही है कि कैसे अपने वोटर्स को लोकसभा चुनाव के लिए तैयार किया जाए। लेकिन अगर जनता की बात करें तो जनता को अभी भी ऐसा लगता है कि दिल्ली मतलब अरविंद केजरीवाल, और अगर नेशन की बात करें लोकसभा की बात करें तो अभी भी कई ऐसे प्रतिशत जनता है दिल्ली में जो लोकसभा में बीजेपी को समर्थन देती आई है, तो बहुत टफ फाइट हो सकता है और ये देखने वाली बात होगी कि चुनावी मोड क्या है, मुद्दे क्या है, दिल्ली की जनता किस तरीके से चुनाव को देख रही है, उनके लिए क्या मुद्दे हो सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आयुषी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए।
बढ़ते अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के आलोचक सत्यपाल मलिक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल आज सीबीआई ने कीरू पनबिजली परियोजना में कथित भ्रष्टाचार के मामले में सत्यपाल मलिक के परिसरों और 29 अन्य स्थानों पर छापे मारे। छापेमारी के पीछे की वजह यह बताई गई है कि जल विद्युत परियोजना से संबंधित सिविल कार्यों के आवंटन में ई टेंडरिंग के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया था। तो बड़ी जानकारी है, यह सत्यपाल मलिक पर सीबीआई का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। पटना, जोधपुर, बाड़मेर, नोएडा और बागपत में 30 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इसके साथ ही बता दें कि सत्यपाल मलिक ने भी आरोप लगाया कि उन्हें राज्य का गवर्नर रहते हुए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी। इसी मामले को लेकर लगातार पूछताछ जारी है और आपको बता दें कि सीबीआई ने आज छापेमारी की, जिसके बाद सत्यपाल मलिक का बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा, किसान का बेटा हूं, न डरा हूं न डरूंगा। आपको बता दें कि सीबीआई ने पिछले महीने अपने रेड में 21 लाख रुपए से अधिक की नकदी के अलावा डिजिटल उपकरण भी बरामद किए थे। वहीं आपको बता दें कि अब पूरा आरोप है कीरू जल विद्युत परियोजना से जुड़ी हुई, जिसके संबंधित सिविल कार्यों के आवंटन में ई टेंडरिंग के संबंध में दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया, ऐसा आरोप लगा है सत्यपाल मलिक के ऊपर। वहीं सत्यपाल मलिक के हितैषी और इनके समर्थकों का दावा है कि लगातार मोदी सरकार पर सवाल उठाते नजर आते हैं, इसी वजह से यह कार्रवाई की जा रही है और यह कार्रवाई राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है। ये सीबीआई छापेमारी कर रही है ताकि सत्यपाल मलिक परेशान हो, उन्हें डराया जा सके। जम्मू